बहुत मेहनत करती हूँ अपनी मेहनत से जो मैं पैसे कमाती हूँ उससे मैं खुद बहुत महंगी चीजें लेती हूँ पर हुँ। मैं अपनी खुशी के लिए लेती हूँ किसी के अप्रूवल किसी के, के लिए नहीं लेती हूँ सबसे सब ज्यादा काशिफ से वसीम के लड़ाई जिंदगी आप कर ही सकते हैं बिकॉज इज सच ए फ्रेंडली गाय अगर आपकी वसीम से तो मेरे लड़ाई होगी ही काशिब ग बहुत सारे ऐसे लोग है जब उनसे मिलने जाते हैं तो वो साब मन के साब यू नो ही अप्रोचेबल वेरी चिल्ड लेट बैक जो कहते हैं ना कि उस, उस पुराने जमाने में ये होता था ये हमारा जमाना बड़ा अच्छा था ये उस जमाने की नहीं जो उस जमाने में आप हैं वही जमाना अच्छा है और जिस जो इस वक्त वक्त है इसमें मेरे क्या लेसन हैं मैं उन उनपे फोकस करती हूँ बजाय इसके कि मैं माजी में डोल करूँ कि यार कराची में बड़ा ये बड़ी अच्छी चीज़ थी अच्छी थी वो वक्त गुजर गया अब हम इधर हैं ये सिचुएशन है इससे डील करें आपके जो हस्बैंड है माशा ऑफिसर हैं उमर रियाज साहब उन्होंने आपको चुना या आपने उनको चुना था सो so, तनख्वाह के बारे में लोग पूछते हैं लोग उपसेस्ट थे एंकल्स की तनख्वाह के बारे में मैं आपको बता दूं अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी तनख्वाह होती है हमारा हमने 15-16 साल जब फील्ड में काम करते हैं तो उसके बाद हमें अच्छा रिवॉर्ड मिलता है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मैं हूं हारिस भट्टी पाकिस्तान की सहाफत का बड़ा नाम हमारिया मेमन साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं आप इनको मुख्तलिफ चैनल्स में देखते आएँ और इस वक्त ए आर वे न्यूज़ पर प्राइम टाइम प्रोग्राम करती हैं अपनी खदमत सर अंजाम दे रही हैं आज इनके घर आए इस्लामाबाद में और बड़ा अच्छा लगा इनसे मुलाकात करके डाउन टू अर्थ खातून है और जो सबसे मुझे मेरे लिए एक था कि जो खातन होती हैं मीडिया की बड़ी बन सवर के रहती हैं अपने आप को उन्होंने मतलब कि आप वो चैनल पर कुछ नज़र आएँगी आपको ऑफ द रैड आपको कुछ नज़र आएँगी लेकिन अगर आपको कुछ ऐसी खवतिन भी मिल जाए मीडिया वाली जो जो चैनल में नज़र आ रही हैं वही आपको फ्रंट पे नज़र आ रही हैं तो एक मज़ा ही है अल्लाम जी आप खैरियत से हैं अल्लाह का शुक्र जी खवतन जो होती हैं ना मीडिया वाली बड़ी ब्यूटी कॉन्शियस होती हैं और शायद हमारी थिंकिंग ये है मेरी ख़ास तौर पर कि अब था लेकिन अब तो बदल गई ना कि अगर किसी खातून ने मीडिया में आना है ना तो बिल्कुल अपने आप अप को चेंज खास तरह के जब ऑफिस जाना है तो कुछ और जब घर आना है तो उसके दोस्त से ने मिलने आना तो वो कुछ और ऐसा नहीं है ये एक मिसकनसप्शन है आई थिंक अच्छा। जो ख़ास तौर पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसके अंदर जाहिर सी बात है आपको अपनी बहुत ज़्यादा इमेज मैनेजमेंट करनी होती जो टेलीविजन के खास तौर पे न्यूज़ इंडस्ट्री है उसमें यही सबसे बड़ा मिसकनसप्शन है कि अगर आप खूबसूरत दिखते हैं तो आप एक कामयाब एंकर हैं हु. या अगर आप बहुत स्टाइलिश हैं या अपने अपने तराश खराश पर बहुत ख्याल रखा हो तो आप कामयाब एंकर हैं ऐसा नहीं है हमारे साथ जितनी भी खवान हैं ऑब्वियसली अल्लाह का शुक्र है एंड दे आर ऑल देफुल लेकिन साथ साथ वो ज़्यादा मेहनत अपने कंटेंट पे करते हैं दुण दुण। आ, सो आ... अगर आप खूबसूरत हैं तो आप एक हद तक आगे जाएंगे लेकिन अगर आपके पास कंटेंट की पावर नहीं है कि ताकत नहीं है तो फिर एक ख़ास हद से ज़्यादा आप ही आपकी क्रिएशन खूबसूरती की मैं कम होती है खूबसूरती की कॉन्सेप्ट डिफरेंट है मेरे लिए कब कुछ लोगों की रहमदिली रहमदिली मेरे लिए खूबसूरत चीज़ है आ, कुछ लोगों को मैंने देखा बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटीज़ हैं लेकिन वो इतने काइंड ह्यूमन बींग नहीं है तो मेरे नजदीक वो खूबसूरत नहीं है सो हर किसी की अपनी खूबसूरती की डेफिनेशन है मेरे लिए कोई इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान है वो बहुत खूबसूरत है Uh, मेरे लिए अगर कोई बहुत ही वेल ड्रेस खूबसूरत ब्यूटीफुल एस्थेटिकली बहुत महंगे कपड़े पहने हुए है लेकिन अगर वो दो अच्छे बोल नहीं बोल सकते तो वो मेरे लिए खूबसूरत नहीं है सो आई थिंक एवरी वन है इंजीनियरिंग करना उसके बाद लोग इंजीनियरिंग like, कर रहे होते हैं सहाफ़त कोई प्लान नहीं था आ, बस टक्के लग गए हम सब के क्योंकि वहाँ पर जब ये नए चैनल्स आ रहे थे उनको बहुत सारे नए नौजवानों की ज़रूरत थी अब मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया ना मैं कोई जर्नलिज्म स्कूल गई हूँ ना मैंने आ, कोई इस हवाले से पहले पढ़ाई की हुई थी आ, मेरा सिलेक्शन हो गया एज ए कोर्डीनेटर हाँ पॉलिटिक्स में और करंट अफेयर्स में मुझे बचपन से शौक़ था बचपन से शौक था, था। मैं पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर नज़र रखती थी मैं अखबार पढ़ती थी चारी मैं कॉलम्स पढ़ती थी तो हाँ मैं एक वो ऑफिस जाने से पहले जब मैं एक आम नहीं थी यूनिवर्सिटी जाने से पहले वापस आके अखबार पढ़ना अप टू डेट रहना या आई वॉज दैट पर्सन और बस फिर जब आपके नेचुरली आपने आपका एक इंक्लिनेशन हो तो फिर आप फिट हो ही जाते हैं फिर तो आपने सिर्फ टेक्निकलिटीज़ सीखनी है सो टेक्निकलिटीज़ सारी मैंने चैनल में जाकर सीखी जियो में लेकिन जो कंटेंट वगैरह है अगेन वही बात कि अगर ज़्यादा खूबसूरती और ज़्यादा ज़ाहरी चीज़ों के ऊपर हम रिलाई करते तो मैं आज यहाँ तक ना पहुँचती तो आ, बस आगे से कहते हैं जो किस्मत में लिखा होता है किस्मत में लिखा होता है लेकिन मेहनत बहुत ज़रूरी है मेरे साथ बहुत सारे और लोगों ने ज्वाइन किया वो छोड़ गए बीच में उनको समझ में नहीं आई अब मुझे पंद्रह साल हो गए अब सोलह साल होना मुकम्मल हो गया तो बस फिर आप मेहनत करते जाएँ लगे रहें कुछ ना कुछ करते साफत का आगाज़ लाहौर से किया आपने जियो के लाहौर के दफ्तर से लाहौर कराची लाहौर से फिर कराची किस कौन सा आता है लाहौर या कराची नहीं मैं बिल्कुल माजी में नहीं रहती अच्छा हाँ जो मुझे जिस फेज में जिस टाइम में लाहौर में बड़े खूबसूरत यादें थी बड़ा अच्छा टाइम था जो मैंने वहाँ से सीखा मैंने सीखा फिर अगले मरहल पे जाना था तो उसके लिए मुझे कराची जाना जरूरी था वहाँ मैं छः साल रही जो सीखा वहाँ से सीखा अब यहाँ पर आई हूँ तो मैं कहूँ मुझे पुराने दिन मुझे ना वो लोग जो कहते हैं ना कि उस, हम, उस पुराने ज़माने में ये होता था ये हमारा जमाना बड़ा अच्छा था ये उस जमाने की नहीं जो उस जमाने में आप हैं वही ज़माना अच्छा है और जिस जो इस वक्त वक्त है इसमें मेरे क्या लेसन हैं मैं उन पर फोकस करती हूँ बजाय इसके कि मैं माजी में डवेल करूँ कि यार कराची में बड़ा ये बड़ी अच्छी चीज़ थी अच्छी थी वो वक्त गुजर गया अब हम इधर हैं ये सिचुएशन है इससे डील करें ये वक्त भी गुजर जाएगा फिर कहीं और होंगे इस शहर में हों किसी और शहर में उस चैनल में हों इस फील्ड में हों मुझे नहीं मालूम कुछ नहीं पता होता आप लोगों को तो so, जो वक्त होता है वही अच्छा वक्त होता है आपके जो हस्बैंड है माशा कामयाब पुलिस ऑफिसर हैं उमर आज साहब उन्होंने आपको चुना या आपने उनको चुना था किस्मत ने हम दोनों को मिलाया हम एक दोस्त के घर पे मिले थे और हमने बातचीत करनी शुरू की बातचीत करके अच्छा लगा और पहली हमारी फाउंडेशन होती है दोस्ती हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी गलती ये है करते हैं कि जब किसी भी से बात करते हैं अपोजिट जेंडर से इस तरह से कि भाई वो अपना कोई लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो वो एक्सट्रीमली सोचते हैं कि हमने अब शादी करनी है विच इज गुड अच्छा अच्छी बात है लेकिन पहले आपने दोस्ती करनी है, आप कहने आपने, है कि का मतलब ये लोग आजकल पहली मुलाकात में जल्दी बैठते हैं और जजमेंट नहीं करते कि उससे कुछ पहचानते नहीं है देखिए वो दिल फेंक है अगर तो वो ज़रूर करें अगेन अच्छा। अगर आप 21 बाईस साल के हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया और होगा अपने लाइफ पार्टनर को देखने का नज़रिया और होगा जैसे जैसे एज में पुख्तगी आती है तो आपको पता होता है कि आपको ज़िंदगी में एग्जैक्टली क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए नहीं। सो जब हंसो में मालूम था हमें ज़िंदगी में किसे क्या चाहिए और हमारे चंद कोर्ड शेयर वैल्यूज़ थी जो हम चाहते थे कि यार ये हम में बहुत इश्तराक है इन चीज़ों का तो आई थिंक हम अच्छे दोस्त भी हैं अच्छे दोस्त से ज़्यादा बढ़ के हम अच्छे लाइफ पार्टनर्स बन सकते हैं सो so, जब इनसे मेरी मुलाकात हुई हमने बातचीत शुरू की ये नहीं मैं सोचा कि इससे शादी करनी है या उन्होंने अच्छा। सोचा शादी करनी है बस अच्छी अच्छी हमारी बातचीत थी वो फ्रेंडशिप से ज़्यादा मोर देन फ्रेंड्स हो गए और फिर उसके बाद शादी कर ली तैतीस साल की एज में शादी करनी पहले अपनी माइंड थिंकिंग कोई मिल था नहीं या बहुत सारे फैक्टर्स थे जही हाँ उसके अलावा ये भी था कि फेल रिलेशनशिप्स भी होते हैं आपके एक कामयाब या कामयाबी की तरफ बढ़ती हुई औरत से शादी करना इस मुआरे में आसान नहीं है बहुत कम हमारे मुल्क में ऐसे आदमी हैं जो इनसिक्योर नहीं हैं जो कि अपनी खातून या बीवी को आगे बढ़ता हुआ तरक्की करता हुआ बहुत सारे मामलों में देखते हुए खुश होते हैं उनके चीयर लीडर बनते हैं उनकी राह में रुकावट नहीं सो so, जब मुझे कोई ऐसा शख्स मिला जो मेरी कामयाबी में खुश हो मेरी कामयाबी में आगे बढ़ने में मदद करे और रुकावट ना फैलाए तो वो वक्त तो मुझे तभी जब मिला तो मैंने उससे शादी कर ली मिस मारिया फेवरेट जो आपके चीज़ें कौन सी हैं लाइक like, खाने में क्या शौकीन है कि सुबह नाश्ते में दोपहर में खाना जो है ना मेरे ज़िंदगी में उसकी तरफ मेरा नजरिया ये किस्ट जस्ट नरिशमेंट ऑफ बॉडी अच्छा। so, हाँ, हम लोग बस खा, अगर आप मुझे साल में तीन सौ पैसठ दिन दाल चावल मैं वो भी खा क्या बनाती पकाने का अच्छा। uh, so, और में मुझे याद था ना घर के काम करने का शौक नहीं था तो मेरी माँ कहती थी क्या बनेगा तुम्हारा तो एक दिन इतनी कामयाब हूँ इतने पैसे कमाऊंगी कि हम किसी को रख लेंगे जो हमारे घर के काम करेंगे एंड अल्लाह का शुक्र है अपने इंतकाल से पहले मेरे घर तो खुश हुई मुझे देखिए कि इसने संभाल लिया घर ये सही है जो मेरे इसके बारे में थे सारे वो गलत साबित हुए मेरा ख्याल था कि ना से घर संभलेगा कुछ शादी संभलेगी क्योंकि खाना नहीं पकाने का शौक कुछ करने का शौक नहीं so है कुछ, कुछ।, तो कुछ शौक कर लिबास ब्रांड होना चाहिए आ रही है मेरे पास मैं जिंदगी में बहुत पैसे खर्चती हूँ महंगी चीजों के ऊपर लेकिन मेरी जिंदगी का मकसद ये नहीं है कि मैं वो जो महंगी चीजें अगर खरीद रही हूँ तो वही मेरी लगन है या, या मैं दिखाऊँ मतलब कभी मेरा दिल करता है मैं पहनू जो मुझे मेरा दिल करता है मैं वो महंगी चीज पहनूंगी अगर मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना नहीं। अगर किसी ने मुझसे मिलना है तो वो मेरी गाड़ी मेरी महंगी चीजों की वजह से मुझसे ना मिले बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं फिर वो खुद ही छट जाते हैं कि देखिए आप जिन लोगों के साथ घूमेंगे फिरेंगे इनको दोस्त बनाएंगे ना वैसे हो जाएंगे बिल्कुल तो आपने तय करना है कि क्या मैं एक ऐसा इंसान बनना मैंने तय किया कि मैं क्या ऐसी इंसान बनना चाहती हूँ जो कि ढाई लाख का जूता पंद्रह लाख का पर्स पच्चीस लाख की घड़ी पहनकर खुशी मुझे मिलती है और मैं ऐसे लोगों में फिर फिरना चाहती हूँ जहाँ पे एक दूसरे की वैलिडेशन ये है कि तुम्हारा पर्स कितना महंगा है तुम्हारा जूता कितना महंगा है सो मैंने तय किया मैं ऐसी इंसान नहीं बनना चाहूंगी और मेरे दोस्त भी ऐसे नहीं है तो मेरे दोस्त बेशक पंद्रह सौ की कोला पूरी चप्पल पहन के भी अगर मेरे घर आते हैं तो मेरे लिए वो उनका खलूस ज्यादा इम्पोटेंट है आ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास महंगी चीज़ें नहीं है मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपनी मेहनत से जो मैं पैसे कमाती हूँ उससे मैं खुद बहुत महंगी चीज़ें लेती हूँ पर मैं, मैं अपनी खुशी के लिए लेती हूँ किसी के किसी के अप्रूवल के लिए नहीं लेती हूँ जो बात है गाड़ी का शौक होने कौन सी गाड़ी का शौक है मेरे पास सात साल पुरानी गाड़ी है अच्छा मतलब मुझे शौक नहीं फ़ोन मैं तब चेंज करती हूँ जब अब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर पाँच साल बाद फोन चेंज कर लिया अच्छा, हाँ लेकिन एक्सपीरियंसिस पैसे खर्चती हूँ हम दुनिया में साल में दो दफा बाहर जाते हैं जब हम वहाँ जाते हैं तो हम महंगे महंगे वहाँ पे जो कोई थिएटर देखना है म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस देखनी है उसमें हम बहुत पैसे खर्चते हैं सो so, हम लोग एक्सपीरियंस के ऊपर पैसे खर्चते हैं चीज़ों के ऊपर नहीं सो so, फोन मेरा ये 2019 का है और अभी चूंकि इसकी बैटरी है आज का तो लोग जब नया मॉडल आता है तो ये और मैं अफोर्ड कर सकती हूँ अल्लाह के फजल फजलो करम से पर मुझे जितने पैसे इस फोन पे खर्च करने उसमें थोड़ा पैसे डाल के मैं कि कोई बहुत स्ट्रिप मुझे लगता है इस साल मैं अब इसकी बैटरी मर रही है तो अब इसकी बैटरी हेल्थ खत्म है तो मैं तब्दील कर लूंगी लेकिन साल में हम बहुत पैसे खर्चते हैं मुल्क से बाहर जाने में ट्रैवल करने में बिकॉज वो एक्सपीरियंस ऐसा जो आपकी पर्सनलिटी को शेपअप करता है सो ये नहीं कि हम पैसे नहीं खर्चते मेरा मेमन है आपके पैसे नहीं खर्चते पैसे खर्चता लेकिन सही जिंदगी

सो पॉलिटिशंस का भी वो बहुत मेहनत करते हैं उनका कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता मेहनत करते किस चीज़ में uh, जब आप कॉन्स्टिचुनसी में जाते हैं आप लोगों से मिलते हैं आई थिंक हम अपने पॉलिटिशियंस को बहुत ज़्यादा अंडर करते हैं कभी आप हल्कों में उनके साथ जाइए एक किसी के घर में विलादत से लेके शादी से ले कर से ले कर उनके गली मोहल्ले लो जब इलेक्शन सीजन आता है ना यहाँ से लोग पकड़ के बात करते हैं उनसे कि हमारा काम नहीं किया so पर... आप कभी आप जाके पॉलिटन से काम करें आई थिंक बड़ा थैंकलेस काम है

तो मेरा ख्याल लड़ाई ज़िंदगी आप कर ही नहीं सकते हैं बिकॉज इज सच अ फ्रेंडली गाय कि अगर आपकी वसीम से लड़ाई होगी आप में कोई प्रॉब्लम है ऑनस्टली हाँ हाँ इज़ वेरी इज़ वेरी फ्रेंडली और वो बहुत ही uh, जैसे कहते हैं ना डाउन टू अर्थ और इज़ अ वेरी गुड पर्सन लेकिन दोस्ती जो हम इस्लाम में हैं काशिफ साहब के साथ मेरी मेरे खावन की हमारे घर में आना जाना वो दोस्ती है इस्लामाबाद में चूंकि हम ज्यादा रहते हैं वसीम और इकरार लाहौर में है तो उनसे इतनी दोस्ती नहीं है जो इस्लामाबाद का क्राउड है वो ज्यादा हैंग आउट करता है उनकी ज्यादा दोस्ती है काशी भाई के साथ आपका ज़्यादा है कैसी चीजें हैं बड़ी पसंद है उस शख्स में वाकई ये हमारे साथ उठना बैठना और तो वजह भी हो सकती है बातचीत करना आसान है ठीक <laughs> है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब उनसे मिलने जाते हैं तो वो मन के फिर नॉट अ अ यू नो ही इज वेरी वेरी अप्रोचेबल लेड बैक गाय सोशल मीडिया का जमाना है जो साफियाँ सुबह चैनल में नौकरी कर रहे होते हैं शाम को चैनल के मालिक भी होते हैं लाइक like अपने प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होते हैं आप इस तरफ क्यों नहीं आई क्योंकि मेरी जिंदगी में मुझे ये चाहिए नहीं है वेरी हैप्पी जो मैं काम कर रही हूँ उसके अलावा जो मैं वीकेंड्स पे काम करती हूँ वीकडेज पे अपने ख़ानदान को अपने घर को टाइम देती हूँ आज मंडे है आज मैंने सुबह उठ के सारी सफाइयाँ करवाईं अब मुझे मुझे पता है कि मैंने जाले साफ करवाने हैं यू नो आई एम अ फुल टाइम हाउस वाइफ ऑन वीक डेज फिर मैं अपने जो बैलेंस है जिंदगी में मैंने स्ट्राइक किया है और ठीक है मतलब इस टाइम एंड फेज में मुझे यही काम चाहिए हो सकता है एक डेढ़ साल बाद मैं कहूँ यार अब मेरा दिल कर रहा है मैं कुछ और प्रोजेक्ट्स करूँ और मैं उस तरफ जाना चाहती हूँ आई डोंट नो हो सकता है इस टाइम एंड स्पेस में मुझे लगता है कि जो मैं कर रही करी काफ़ी है जितना मेरे पास है अल्लाह का शुक्र है इससे ज़्यादा मेरे पास जो असराफ है आ, अगर आप उसमें कहें कि के और 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 दिज नॉ इंट टू इट मतलब अगर आप उस तरफ जाना चाहते हैं और आप कहते हैं कि मैं ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ वो फेजेज आते हैं लेकिन कुछ ऐसे फेजेस भी आते हैं जिसमें वो कहते हैं यार बस ठीक है ना ये कर रही हूँ काफ़ी है सो मैं उस फेज में ठीक है जो मैं कर रही हूँ मुझे नहीं और कुछ करना बेहतरीन लास्ट में पैगाम आ, पैगाम मैं ही दूंगी कि यार शॉर्टकट्स ना जिंदगी में ना करें आ, और दूसरी बात ये कि व्यूज़ और क्लिक्स के चक्कर में आउटरेजस काम ना करें ज़िंदगी में आज आप एक आउट काम करके व्यूज़ एंड क्लिप्स ले लेते हैं जो है क्लिप्स आपके वायरल होते हैं व्यूज़ और लाइक्स ले, ले लेते हैं कल क्या करेंगे आप उसको आउटडू करेंगे फिर परसों क्या करेंगे उससे ज़्यादा कुछ काम करेंगे वेयर डज़ इट एंड सो अपने काम में सब्सटेंस लाएँ कंसिस्टेंसी लाएँ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए इंस्टेंट वायरल होने के लिए

Uh, हम हर वक्त जब न्यूज़ रूम में होते हैं या जब टेलीविजन के ऊपर होते हैं तो एक हेजान बरपा होता है और प्राइवेट mm लाइफ -hmm. में हम सुकून चाहते हैं हम चाहते हैं कि ब्रेक हमें मिले शोर से तो ये एक बड़ी ही कैलकुलेटेड और बड़ी ही डेलिब्रेट चॉइस है थिंकिंग यह है हमारी कि प्राइम टाइम जो एंकर्स होते हैं जो प्रोग्राम कर रहे होते हैं इनकी सैलरीज बहुत हाई लेवल होती हैं हाई क्लास होती हैं यार वगैरह आप काम कर रही हैं मुख्य ऑफर्स आती होंगी mm -hmm. मैक्सिमम ऑफर ऐसे अगर कोई मैं इसका जवाब इसलिए नहीं देना चाहूँगी बिकॉज मुझे वैसे ही लगता है कि किसी की तनख्वाह के बारे में पूछना एक, एक लेम और एक बड़ा फ्रूटलेस सवाल है uh, क्योंकि तनख्वाह जो होती है वो किसी की सेंस ऑफ uh, क्या बोले सेंस ऑफ इसकी पैमाने को जांचने का तरीका नहीं उसको है। उसको उसको इज्जत देने हाँ, का जांच है। तरीका नहीं नहीं ऐसे नहीं, नहीं बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं जो कि डू डूइंग वेरी वेल लेकिन वो एक अच्छे इंसान नहीं है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उतने पैसे नहीं कमाते लेकिन वो बेहतर लोग हैं सो तनख्वाह के बारे में लोग पूछते हैं लोग उपसेस्ड हैं एंकर्स की तनख्वाह के बारे में मैं आपको बता दूँ अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी तनख्वाह होती है हमारा हमने पंद्रह सोलह साल जब फील्ड में काम करते हैं तो उसके बाद हमें अच्छा रिवॉर्ड मिलता है पर आपने तय करना होता है कि आपने सिर्फ तनखा के लिए काम करना है या आपने जो काम कर रहे हैं वो इन्जॉय करने के लिए काम करना है तो अभी जो मैं काम कर रही हूँ चूंकि मैं इंजॉय कर रही हूँ इससे कई गुना ज्यादा तनख्वाए मैंने मना की है क्योंकि मैं वो काम इंजॉय नहीं करती ओके। आ, तो मुझे चूंकि इधर माहौल पसंद है यार वाई में मुझे टीम पसंद है और चैनल से जब ऑफर आती है इससे ज्यादा पैसों की मैं नहीं जाती बिकॉज मेरे लिए माहौल इंपॉर्टेंट है मेरे लिए मेरी टास्क इंपॉर्टेंट है मेरे लिए मेरी टीम इंपॉर्टेंट है मेरे इर्द गिर्द जो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है मैं कहीं जाऊँ ज़्यादा तनख्वाह में लेकिन वो मेरी जिंदगी अजाब हो जाए मैं काम इन्जॉय ना करूँ मैनेजमेंट के साथ मेरे फट डे हों मेरे कलीगज इर्दगे टॉक्सिक को इज़ इट वर्थ इट वो प्राइस टैग जो आपकी मेंटल हेल्थ और स्टेबिलिटी का है ना दुनिया की कोई चेक किसी पैसे से वो बैलेंस नहीं होता है सो so, आपके पास इस वक्त जो है उसके अलावा आप उन चीज़ों का भी कैलकुलेशन कीजिए जिसपे प्राइस टैग नहीं है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट मतलब जहनी सुकून जो मेरे पास अभी है थैंक यू सो मच